मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। 5 साल पहले शुरू हुआ सफर आज जन जन की सहभागिता से स्वच्छता के नए नए मानदंड स्थापित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। आपको याद होगा कि कुंभ के दौरान प्रयागराज को किस प्रकार स्ट्रीट पेंटिंग से सजाया गया था। मुझे पता चला कि भाई योगेश सैनी ने और उनकी टीम ने उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वेस्ट टू वेल्थ बनाने का कल्चर हमारे समाज में डेवलप हो। एक तरह से कहें तो हमें कचरे से कंचन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है।